स्टूडेंट वाटर प्राधिकरण ने डिफॉल्टर बिल्डर के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। प्राधिकरण ने 46 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का पैसा नहीं देने वाले डिफॉल्टर बिल्डर्स की जानकारी अथॉरिटी की वेबसाइट पर साझा की जाएगी। इसमें प्लॉट और बिल्डर पर बकाए की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि कई बिल्डर्स ने प्लॉट लॉट होने के बाद भी प्राधिकरण को पैसा नहीं दिया है। ये डिफॉल्टर बिल्डर्स निवेशकों से पैसे ले चुके हैं। कुल 46 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 50,000 निवेशक निवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पैसा नहीं दिया और इसके बाद अब इनके नामों को सार्वजनिक करने की बात भी आ रही है। अमित हमारे साथ है। अमित, किस तरह से दबाव बनाने की तैयारी है? देखिए श्वेता, नोएडा एक्सटेंशन में खास तौर से बिल्डर प्रोजेक्ट है जहां पर प्राधिकरण का पैसा बिल्डर द्वारा नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ जो निवेशक हैं उन निवेशकों से करीब 90-95% तक पैसा ले लिया गया है। कई बिल्डरों ने काम ही शुरू नहीं किया और ना ही अथॉरिटी का पैसा दिया है। कुछ एक बिल्डरों ने थोड़ा बहुत काम शुरू किया, जिसके चलते जो निवेशक है वो आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं, प्राधिकरण के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं। अब प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि जो भी डिफॉल्टर बिल्डर है उन सबकी सूची है वो वेबसाइट पर डाली जाएगी कि कितना किसके ऊपर बकाया, और 46 बिल्डर जो डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं इनमें से कई ऐसे बिल्डर हैं जो प्लॉट अलॉट होने के बाद में प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया और लोगों से पैसा भी दे दिया, लेकिन उन्होंने प्राधिकरण की एक भी किस्त जमा नहीं की है। तो तमाम ऐसे बिल्डरों पर अब शिकंजा कसने की जो कवायद है वो प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।